लड्डू तो आपने बहुत प्रकार के बनाए होंगे गाइस, लेकिन इस तरह के यूनिक लड्डू शायद ही आपने बनाए हो। तो हेलो गाइस, जय जिनेंद्र, अर्चना की जैन रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर और गुलकंद के बहुत ही लजीज लड्डू की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान है और फटाफट बनकर तैयार भी हो जाते हैं। तो इस यूनिक लड्डू की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए और इस तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज तथा सभी जैन रेसिपीज सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो ख़त्म होने से पहले इस रेसिपी के लिए एक लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। इसके बाद में घर के दूध पर निकली हुई फ्रेश मलाई है ये। 200 ग्राम हमने यहाँ पर लिया है कंडेंस मिल्क। ड्राई फ्रूट्स लिए हैं काजू, बादाम, पिस्ता। इसके बाद में 1 टेबलस्पून मैंने गुलकंद लिया है, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ली है। 1/4 कप लिया है डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा, और थोड़ा सा हमें चाहिए पिंक या रेड कलर। चलिए, अब हमने पैन गैस पर चढ़ा दी है और इसमें ऐड करूंगी कद्दूकस किया हुआ पनीर। ये होममेड पनीर है, इसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड की हुई है, तो इसका लिंक मैं आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 बड़े चम्मच घर पर निकली हुई फ्रेश मलाई। तो अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप यहाँ पर 1.5 चम्मच यूज़ कर सकते हैं देसी घी। और जो 200 ml हमने यहाँ पर लिया है कंडेंस मिल्क, इसमें से मैं आधे से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा बचा कर रखूँगी। चलिए, अब फ्लेम ऑन कर देते हैं और सिम गैस पर अब हमें इसे कुक करना है। इसमें हमें चीनी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंडेंस मिल्क बहुत ही मीठा होता है। अब देखिए, इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, जस्ट कुछ मिनट्स के लिए इसे इस तरह से चलाते हुए कुक करेंगे। तो लड्डुओं को थोड़ा सा टेम्पटिंग सा लुक देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जस्ट 2 pinch रेड फूड कलर। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ करें वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कलर ऐड करने से हल्का सा पिंकिश कलर आ जाएगा इन लड्डुओं को, तो दिखने में बहुत ही टेम्पटिंग लगेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम स्वीट मार्ट में अलग अलग प्रकार के लड्डू देखते हैं। इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही चलाना है। और अब मिश्रण काफ़ी ड्राई हो गया है तो मैं इसमें ऐड करती हूँ थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा, थोड़ा सा मैं बचा कर भी रखूँगी। और नारियल का बुरादा ऐड करने से इस मिश्रण में जो थोड़ा सा मॉइस्चर था वो भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए, अब आपको ये जो मिश्रण है काफ़ी ड्राई सा लग रहा हो तो आप सोचेंगे कि भाई अब इसके लड्डू बंधेंगे भी या नहीं, तो बिल्कुल इजीली बन जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इस मिश्रण में बाइंडिंग के लिए ऐड कर देते हैं कंडेंस मिल्क, जो बहुत स्टिकी होता है, तो लड्डू जो है आसानी से बाइंड हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टूटी फ्रूटी, जिससे बच्चे तो भाई बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि टूटी फ्रूटी बच्चों को बहुत पसंद होती है। इसके बाद में मैं इसमें जो गुलकंद लिया है हमने उसे भी ऐड कर दूंगी। ड्राई फ्रूट भी मैंने ऐड किए हैं। गुलकंद की वजह से इन लड्डुओं में थोड़ा सा स्टिकीनेस भी आ जाएगा इस मिश्रण में, और बढ़िया सा फ्लेवर भी आ जाएगा। तो अब इतनी सारी चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की हैं, इसकी वजह से ये लड्डू बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। चलिए, अब लास्ट वाला इंग्रेडिएंट भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो मैंने इसमें लगभग 4 से 5 बूंद ऐड किए हैं रोज़ वाटर के। वैसे ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहे तो यूज़ करें वरना इसे भी स्किप कर सकते हैं। और अब हमारा जो मिश्रण है लड्डू बांधने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इस तरह के छोटे या बड़े साइज़ के लड्डू आपके मनपसंद आकार में आप बांध सकते हैं। तो इतने मिश्रण में हमारे 7 से 8 लड्डू बन जाएंगे, और इन लड्डुओं को एक बार बनाकर आप फ्रिज में रखकर कम से कम 4 से 5 दिनों तक खा सकते हैं। ज़्यादा दिनों तक इसे ना रखें वरना इसका जो टेस्ट है बदल सकता है। तो इस तरह से सभी लड्डुओं को तैयार कर लेंगे।
तो गाइस मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये पनीर गुलकंद के लड्डू की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ही फटाफट बन जाते हैं ये, तो इसे ज़रूर ट्राई करिए और आपके अनुभव मुझे मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिए। वीडियो ख़त्म होने से पहले इसे आपको लाइक भी करना है ताकि इसी तरह से मैं मोटिवेट होकर नई नई रेसिपीज़ आपके लिए शेयर करती रहूं। तो एक बार हम सभी लड्डुओं को बांधकर तैयार कर लेते हैं। चलिए गाइज, लड्डू हमने सभी तैयार कर लिए हैं। अब क्या करेंगे कि इसे, ये जो नारियल का बुरादा हमने बचा कर रखा था, इसमें इस तरह से डस्ट करके प्लेटर में निकालते जाएंगे। इससे क्या होगा कि लड्डुओं में जो कुछ भी थोड़ी बहुत नमी रह गई हो तो इस नारियल के बुरादे से वो भी ख़त्म हो जाएगी और दिखने में भी लड्डू बहुत ही डिलीशियस लगेंगे। तो गाइज फिर से एक बार कहती हूँ, आप ज़रूर ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए। तो चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही नई नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।